ये देखिएगा भाई, ये हम आ गए स्लीपर बुग्गी में, और कितना लग्जरी लग रहा है यार। वाह, ऐसा लग रहा है मैं प्राइवेट रूम में आ गया हूँ। तो बड़ी फैमिली के लिए ये बेहतरीन है। आपको एक ही ट्रेन में सारी वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें स्लीपर भी है, बिजनेस क्लास है, लोअर एसी है, इकोनॉमी है, एसी डाइनिंग कार है, मतलब सारी वैरायटी एक ही ट्रेन में मिल जाएगी आप लोगों को। बहुत ही लग्जरी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रेन है। अच्छा भाई ये वो बिजनेस क्लास बुग्गी है जो कि चाइना से मंगवाई है। नई बुग्गी है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। देख सकते हैं 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम इमरान तूर और दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन में। एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि मेरी फेवरेट है, और इसकी खासियत ये है कि आपको एक ही ट्रेन में सारी वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें स्लीपर भी है, बिजनेस क्लास है, लोअर एसी है, इकोनॉमी है, एसी डाइनिंग कार है, मतलब सारी वैरायटी एक ही ट्रेन में मिल जाएगी आप लोगों को। बहुत ही लग्जरी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रेन है, कराची एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलते हैं और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तमाम डिटेल मैं बताने वाला हूँ, इनकी टिकट टाइमिंग और कहाँ कहाँ जाती है। वैसे तो कराची से लाहौर जाती है और उसके बीच के जो स्टॉप हैं उन स्टॉप पर रुकती है, और 4:30 बजे निकल जाती है कराची से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दें, मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो चलें, आ जाएं। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी होती है और ये वो ट्रेन है। पहले ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी होती थी, अब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ गई है। और ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कोई सस्ती ट्रेन और अच्छी ट्रेन दिखाई जाए आप लोगों को। तो बेस्ट है, मेरी नज़र में बेस्ट है, आप लोगों ने पहुँचना है। तो बस अंदर चलते हैं, रिव्यू इसका शेयर करते हैं और दिखाते हैं भाई कितनी शानदार है अंदर से, और इसकी टिकट भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, फैसिलिटीज़ क्या क्या है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, खाना नहीं होता है, ठीक है। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। अच्छा भाई, ये वो बिज़नेस क्लास बुग्गी है जो कि चाइना से मंगवाई है। नई बुग्गी है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। तो चल के दिखाते हैं आप लोगों को और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बिज़नेस क्लास है बेसिकली, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं ये नई बुग्गी है जो चाइना से मंगवाई है। और इसकी किलोमीटर रफ्तार देख सकते हैं, 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। पाकिस्तान में नहीं चलती होंगी 160 से। चलें भाई अंदर चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं नई बुग्गियाँ हैं ये बेसिकली। ओए वाओ यार, आउटस्टैंडिंग आता है, ज़बरदस्त, फुली एसी, और एसी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही आला है, ज़बरदस्त है। और फैसिलिटीज़ की बात करी जाए, यहाँ पे चार्जिंग पॉड अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है। कचरे के लिए एक डस्टबिन भी है, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब ट्रेन रुकती है ना तो पूरी बुगियाँ में कचरा ही कचरा होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, नई बुगियाँ हैं तो ख्याल करना चाहिए। अच्छा भाई ये देखिएगा, आपको कम्फर्ट लेवल भी बता देता हूँ कैसी है भाई कम्फर्ट लेवल के लिहाज से बिजनेस क्लास। यार सीट तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल न्यू है। लेट के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई कैसा माहौल है भाई। तो फाइनली गाइस, आपका भाई लेट गया और आप लोग देख सकते हैं मेरा हेडरूम अभी तक टच नहीं हो रहा, पाँव भी मेरे अभी तक टच नहीं हो रहे। और चौड़ाई की बात करी जाए तो चौड़ाई में भी अच्छी खासी है स्पेस, मतलब नॉर्मल है। और नई बुगियाँ बहुत ही ज़बरदस्त, एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो लाजमी से रेकमेंड करूँगा, लाजमी से आइएगा। लेकिन एक चीज़ की जो कमी नज़र आ रही हो, ये इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है। सफ़र में इंटरटेनमेंट ना होना तो मज़ा नहीं आता, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। कोई LCD हो, कोई बंदा नेटफ्लिक्स देखता हुआ जाए, कोई ड्रामे देखता हुआ जाए, इस तरह से इंजॉय करता हुआ जाए तो मज़ा भी है। लेकिन रमज़ान चल रहे हैं, अभी रमज़ान का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा भाई यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच हैं, ये किस चीज़ के हैं? ओ ये दो स्विच दबाएं तो लाइट और पंखा बंद हो गया भाई, लोड शेडिंग। और ये क्या है भाई? कॉल बटन। अच्छा भाई लाइट और पंखे का ये बटन है, कॉल बटन है, आप ये दबाएंगे तो कोई आ जाएगा, क्या पता ना भी आए, ऐसे दिया वो। खैर आगे चलते हैं और आगे शेयर करते हैं आपके साथ। और बाकी ये कि यहाँ पे स्पेस अच्छा है और दो बर्थ हैं जो नॉर्मली होती है सब में। ये देखिएगा भाई, ये बाहर बैठने की भी जगह है। चलें खैर आगे चलते हैं और आगे चल के शेयर करते हैं। अच्छा जी ये हम आ गए हैं बेसिकली लोअर एसी में, ओए होए फुली एसी है। और ये ऊपर कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ओए होए ये देखिएगा भाई, बेसिकली लोअर एसी आप लोगों को दिखा देते हैं। सामने भी सारा सेटअप बना हुआ है, ये चीज़ अच्छी है कि सामने भी पर्थ है और इस तरफ भी पर्थ है, और एसी आपके ऊपर ही चल रहा है और एसी की परफॉर्मेंस नॉर्मल है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर हुई अभी चलाए हुए, ज़्यादा देर थी। तो ये भाई लोअर एसी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को बैठ के भी दिखा देते हैं। वाह यार ज़बरदस्त यार, सही है, सॉफ्ट है, अच्छा है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे चार्जिंग पॉड नहीं है, ठीक है, कोई चार्जिंग पॉड नहीं है, डस्टबिन है बस। और उसके अलावा देखा जाए तो LCD या वाईफाई भी नहीं है, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई खास इंतज़ाम नहीं है, और टेबल है, सीट है, बस सफ़र करो। खैर आगे चलते हैं और आगे भी शेयर करते हैं क्या भाई क्या सीन है।
अच्छा जी भाई, डाइनिंग कार दिखा देते हैं आप लोगों को, कराची एक्सप्रेस का। ये देखिएगा भाई, डाइनिंग कार ये है भाई इनका। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त यार। वाह ये देखिएगा, ये सारे डाइनिंग कार है और यहाँ पे आप लोग बैठ कर खाना और इन्जॉय कर सकते हैं। वैसे तो रमज़ान चल रहे हैं, अफ्तारी इन्जॉय कर सकते हैं, सहरी इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ज़बरदस्त सेटअप है और चाय माय का भी सेटअप है। चाय टिकट के साथ होती है? ग्रीन लाइन में होता है, कुछ भी नहीं है टिकट में, टिकट के साथ कुछ भी नहीं है, तब चीज़ें परचेज करनी होगी। चाय का क्या कब होगा? चाय का कितने की है? 50 रुपये की चाय है। ठीक है ठीक है। तो भाई ये है भाई इनका डाइनिंग कार, ठीक है। तो कराची एक्सप्रेस में डाइनिंग कार की भी सहूलत है। तो फाइनली गाइस ट्रेन आ गई है और ये 7 प्लेटफॉर्म नंबर पे खड़ी होती है। एयर कंडीशन स्लीपर बुगी मेरे सामने, अभी चल के इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं भाई। बहुत ही लग्जरी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। चलें भाई अंदर चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओए होए भाई, ये हम आ गए भाई स्लीपर की बुगी में और बहुत ही लग्जरी लग रहा है। चल के अभी दिखाते हैं आप लोगों को और शेयर भी करते हैं। ये देखिएगा भाई, ये हम आ गए स्लीपर बुग्गी में और कितना लग्जरी लग रहा है यार। वाओ, ऐसा लग रहा है मैं प्राइवेट रूम में आ गया हूँ। बहुत ही लग्जरी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग यार। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि लाजमी से आप लोगों ने सफ़र करना है। और अब आपको कंफर्ट लेवल भी दिखा देता हूँ इसका कैसा है भाई। वाह यार, ऐसा लग रहा है घर का बेड है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट। उसके अलावा यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप लोग बर्थ है। और सबसे अच्छी बात ये लगी स्लीपर में, स्पेस बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई में स्पेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा भाई, लंबाई आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हेडरूम मेरा अच्छा खासा स्पेस है और पैरों में भी है। लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई लंबा बंदा लेटेगा तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ओवरऑल सही है, सॉफ्ट बहुत है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लग्जरी, स्पेस बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि एसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एसी की परफॉर्मेंस है। बाकी स्विच लगे हुए आप लोगों के सामने, ये लाइट का है, पंखे का है और उसके अलावा चार्जिंग पॉट है, ठीक है। और यहाँ से आप फुल नज़ारा करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉशरूम है, वॉशरूम भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा भाई, ये इनका वॉशरूम है और वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा है, सही है वॉशरूम देखा जाए तो। एक चीज़ की बहुत कमी महसूस हो रही है, अगर ट्रेन के हजरात देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि लाजमी से इसको आप लोगों ने इस पर वर्क करना है। यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, ये देखिएगा यहाँ पे इतनी बड़ी LCD आ जाएगी, तो लगा दो ना यार, बंदा इंजॉय करता हुआ जाए यार। एक LCD लगा दो क्या जाएगा आप लोगों का। स्लीपर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो रेकमेंड करूँगा आप लोगों को लाजमी से आप लोगों ने आना है, विजिट करना है और इन्जॉय करना है। लेकिन टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्लीपर की, जाहिर बात है लग्जरी भी तो है। अच्छा भाई, ये जो है डबल स्लीपर है, ये बेसिकली डबल है, ठीक है। और डबल में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। और दो वॉशरूम है मेरे ख्याल से, नहीं एक ही वॉशरूम है, और अच्छा खासा स्पेस है, तो बड़ी फैमिली के लिए ये बेहतरीन है। तो फाइनली गाइज, ये मेरा विजिट था, कैसा लगा? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा भाई, बहुत ही बेहतरीन। मुझे पर्सनली कराची एक्सप्रेस पसंद है क्योंकि इसकी एक क्वालिटी मैं बता दूँ इसकी क्या अच्छी है। यहाँ पे इस ट्रेन में आपको चारों वैरायटी मिलेगी, इकोनॉमी भी मिलेगी, लोअर एसी मिल जाएगी, बिजनेस क्लास और स्लीपर, चारों बुगियाँ मिल जाएंगी, चारों वैरायटी इसी ट्रेन में मिल जाएगी आपको। उसके अलावा आपको डाइनिंग कार भी मिल जाएगा, तो पांचों वैरायटी एक ही ट्रेन में आप लोगों को मिल जाएगी, वो भी मुनासिब पैसों में। अच्छा, इसकी मैं टिकट बता देता हूँ, मेन चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ भाई, स्लीपर की जो टिकट है कराची से लाहौर की बताऊँगा मैं सारी टिकट, स्लीपर की जो है 8,550 रुपये स्लीपर की कराची से लाहौर की, बिजनेस क्लास की है 6,650, ठीक है, कराची से लाहौर की, लोअर एसी की 4,750। उसके अलावा इकोनॉमी की मेरे ख्याल 3,000 या 3,500 चल रही है, उसका कंफर्म नहीं है मुझे, 3,000 या 3,500 के बीच में ही है इकोनॉमी, कराची से लाहौर की बात कर रहा हूँ। अगर बजट अच्छा है आप लोगों का तो स्लीपर का ही मैं मशवरा दूंगा, स्लीपर में आप लोगों ने विजिट करना है क्योंकि स्लीपर थोड़ा लग्जरी है, प्राइवेट आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा और खुला डुल्ला माहौल है, लग्जरी माहौल है, एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, तो स्लीपर का मैं मशवरा दूंगा। अगर बजट नहीं भी है तो मैं लोअर एसी भी अच्छा है इनका, सही है। खैर, यहाँ पे मैं करता हूँ वीडियो को एंड। कैसी लगी भाई, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए रोज़े में, तो सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, जितना हो सके आपकी सपोर्ट चाहिए। अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।